भी कहा था ना। पहले क्लास में आ जाओ। आई नहीं, मेरे आने के बाद आए। AP and CD are parallel because this is a parallelogram and BF is a transversal, so these will be alternate angles and this is a parallelogram, so opposite angles will be equal. ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का और ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डबल एसी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप कोई भी साइड की रेशियो ले सकते हो। अच्छा, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हुए, एक थर्ड एंगल और भी छोटा ट्रायंगल का, वो कौन सा है, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल बच रहा है, ये, और इस वाले ट्रायंगल का, तो ये भी इक्वल होंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड्स की रेशियो भी ले सकते हो। अब साइड की रेशियो जरा ध्यान से लेनी है, अगर लेनी भी हो तो। जो एंगल इक्वल आए हैं ना, उसी के जैसे B के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ F आएगा, C के कॉरेस्पॉन्डिंग A आएगा, और इस वाले B मतलब F B C के कॉरेस्पॉन्डिंग E आएगा। तो वो नेम का ध्यान रखना अगर साइड्स लेनी भी पड़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया था, सेम है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में एक जरा थोड़ा सा बता देते हैं, कर लेते हैं 10th क्वेश्चन, फिगर में देख लो, बता देते हैं 10th क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो, फिगर गिवन है आपको, एक ट्रायंगल ये गिवन है, राइट एंगल, इस साइड को प्रोड्यूस करके एक यहां गिवन है। अच्छा, ठीक है, ये 9th की फिगर है। 10th की देखो, सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी एंड ए सी बी एंड ई जी एफ। दो बाइसेक्टर दिए हुए हैं, इसकी फिगर नहीं गिवन है। दो डिफरेंट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, एक ये बना दिया। इस यहाँ पे सी डी जो है वो बाइसेक्टर है ए सी बी का, ये दे रखा है, ठीक है। और इधर जो है जी एच बाइसेक्टर है ई जी एफ का, एंगल के बाइसेक्टर दिए हुए हैं ये। एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब वन, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गए, वन टू के इक्वल है, थ्री फोर के इक्वल है। लेकिन जब किसी ट्रायंगल की एक ही की कोई चीज दे रखी है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए
और 2, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ट्रायंगल एबीसी जो है वो इस ट्रायंगल के, ये मतलब दोनों ट्रायंगल बड़े वाले सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आएगी। इसका मतलब एसी अपॉन ईजी, एबी अपॉन ईएफ, सीबी अपॉन जीएफ सेम आएंगे। एंगल ए बी के इक्वल, एंगल सी जी के इक्वल, एंगल बी। जब भी सिमिलर दे रखे ये सिक्स रिजल्ट साइड पे रिक्स लेनी है क्योंकि इन्हीं की हेल्प हमने लेनी है, ठीक है। तो एसी अपॉन जीई इज इक्वल टू सीबी अपॉन जीएफ इज इक्वल टू एबी अपॉन ईएफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू जी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। सबसे पहले जब सिमिलर लिखोगे ये सिक्स रिजल्ट, ये तीन रेशो होगी, तीन एंगल होगे, इक्वल होगे, ये आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये यूज करना है आपने। इनमें से जो आपको जरूरत होगी आप यूज कर सकते हो। हमने मीडियन वाला क्वेश्चन किया था याद है, यहाँ पे सेम ही है, वो साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सेम है। तो याद रखना अगर मीडियन वाला क्वेश्चन आ जाए या ऑल्टीट्यूड या आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर आ जाए, बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटे वाला ये भी सिमिलर होगा इसके, और छोटे सिमिलर है तो बड़ा भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था क्योंकि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे रिजल्ट करके देखो, तो आपने ये याद रखना है। तो इस केस में आप ये लर्न कर सकते हो कि अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो छोटे वाले भी ईच जो है वो सिमिलर होंगे, ठीक है। यही प्रूफ करना है यहाँ पर। वैसे सिमिलर करने हो तो कैसे करेंगे, वैसे तो C और G यहाँ इक्वल है। अगर C और G का हाफ कर दें इस एंगल का, C का हाफ क्या आएगा 1, G का हाफ क्या आएगा 3, तो 1 3 के इक्वल हो गया और 2 4 के इक्वल, एंगल इक्वल हो गए। इसकी रेशियो ऑलरेडी दे रखी है 1 3 के इक्वल हो गया और 2 4 के इक्वल है, लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में चाहिए क्या, CD ओवर CD over GH is equal to AC, ये चाहिए, इनकी रेशो चाहिए इक्वल। इसका मतलब छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। नहीं एंगल बाइसेक्टर है, दिए थोड़ी हुए, अगर दिए होते तो ले लेते, अभी नहीं दिए हुए। और हाँ एंगल A और E इक्वल है, तो अगर हम ऐसे देखें 1 3 के इक्वल है, A E के इक्वल है, ए सिमिलैरिटी से छोटे वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो सेम आ जाएगी। मतलब एसी अपॉन जी, एडी अपॉन ईएच, सीडी अपॉन जी। आप लिख तीनों लेना, जो चाहिए वो यूज कर लेना। देखा जाए तो साइड दी हुई थी लेकिन यूज नहीं हुई, हमारे पास डबल ए से यूज हुआ है। ए ई के इक्वल, सी का हाफ आ गया 1, जी का हाफ आ गया 3, 1 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात, ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल भी तो सिमिलर होगा, B और F इक्वल, 3 ये 2 और 4 इक्वल, तो डबल A से वो भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसको आपने लर्न करना है, बार बार प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस यही करना था और बाकी ट्रायंगल तो आपने कर ही लिए, दो ट्रायंगल अलग अलग करने थे वो बता दिए आपको, दोनों ही डबल A से हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ई इज अ पॉइंट, फिगर गिवन है इसकी, इजी है ये क्वेश्चन, जरा देखो अपने आप। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ द आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलिस है, अगर आइसोसेलिस है तो ए बी और ए सी क्या होंगे, इक्वल, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। सीधे बैठो और फिर बेंच थोड़ा पीछे कर लो। ट्रायंगल आइसोसेलिस दिया हुआ है, ए बी सी, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दिया हुआ, ठीक है। कहता है इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया और यहां पे एक ट्रायंगल और फॉर्म हो गया, इसका नेम है ई, ये 90 है और यहां से जो लाइन है ये भी 90 है,
अब एंगल ही दे रखे हैं तो एंगल दो दो गिवन ही है, देख लो इस वाले ट्रायंगल का एंगल ही और एबीडी मतलब इस ट्रायंगल का एंगल डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ इच 90। इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल, डबल ए से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। अगर सिमिलर है तो सारी साइड्स की रेशियो भी सेम आएगी। एक एंगल और भी तो बच रहा है, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा है, ई, और इस वाले ट्रायंगल का थर्ड एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, साइड्स की रेशियो भी ले सकते हो अगर जरूरत हो, बस नेम ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 है ना वो सेम है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है। तो आज आपने, मैं 12th करवा रही हूँ, 14th आप बताओगे क्या करना है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ठीक है, और एक चीज का डिफरेंस है तो कम, लेकिन प्रूफ चेंज हो जाता है उससे। तो आप 14th क्वेश्चन खुद सोचोगे कैसे करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी कर लेते हैं। सेम है, डिफरेंस एक सिर्फ एक पॉइंट का ही है बस। आप पढ़ोगे ना आपको एक बार तो लगेगा कि सेम ही स्टेटमेंट है, लेकिन फर्क है दोनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर आपको दी हुई है, एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, ये डी है, ये पी क्यू आर है, ये एम दे रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कह रहे हैं भाई, मीडियम वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सेम ही है। कहता है इसकी साइड ए बी, इसकी साइड बी सी और इसका मीडियन ए डी, इसकी साइड पी क्यू, इसकी साइड क्यू आर और इसके मीडियन पी एम के साथ सेम रेशो फॉर्म करता है, ये दे रहा है। बात समझ आई? ये तीन जो हमने मीडियन वाला पहले क्वेश्चन किया था ना, वहां पे बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे, लेकिन यहाँ नहीं दिए हुए, यहाँ कहते रेशो सेम है। अच्छा एक बात बताओ, इस रेशो में या ट्रायंगल सिमिलर होने में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको कहूं ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, और दूसरा हम कहें कि इन तीनों साइड्स की रेशो सेम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं ऐसा नहीं है, बताया तो था, अगर साइड सेम होती है तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं, एंगल इक्वल है तो साइड अपने आप रेशो सेम आ जाती है। इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि अगर आप ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर कहते हो तो ये वाली साइड ए बी इसके सिमिलर, यहाँ पे इक्वल है, मतलब रेशो में सेम है ये वाली साइड इसके साथ। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए थी, एसी की रेशो पीआर के साथ होनी चाहिए, और वो इसमें नहीं दे रखा, इसलिए दोनों चीजों में फर्क है। अगर मीडियन की जगह तीसरी साइड दे रखी होती तो ट्रायंगल सिमिलर होते, अभी नहीं है। ठीक है, अभी डिफरेंस है इस चीज में। अब आपके पास ये तीनों की रेशो दे रखी है, आपको चाहिए क्या? आपने ये शो करना है कि ट्रायंगल जो है बड़े वाले दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल को सिमिलर करना है एबीसी को पीक्यूआर पे। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको या तो तीसरी रेशो चाहिए या आपको साइड एंगल साइड चाहिए, दो साइड तो हैं, एक एंगल चाहिए, हो सकता है वो। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दो तो ये एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे, तो बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल कहां से आएंगे? अरे इजी है, क्या हुआ, मीडियन दे रखा है, मीडियन साइड को क्या करता है, तो अगर पूरी बीसी की रेशो क्यूआर के सेम है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, तो इसका हाफ कर दो, बीसी का हाफ क्या आएगा, क्यूआर का हाफ क्या आएगा, तो ये क्यूएम और यहां से बीडी। तो अब आपके पास तीन चीजें होगी, इसकी रेशो इसके साथ, ये वाली इसके साथ और ये छोटे वाली साइड इतनी इसके साथ, तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर हो गए तो बी और क्यू क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो बड़े वाला ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके साथ, ये वाली पूरी साइड इसके साथ, ये एंगल इसके साथ हो गए, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो आपने ना, ये बार बार क्वेश्चन वही है, बार बार आ रहा है, वहां पे बड़े ट्रायंगल दिए हुए थे, छोटे वाला करना था, अब यहाँ पर
मीडियन के साथ रेशो दे रखी है ट्रायंगल को सिमिलर किया, तो आपने इतना याद रखना है अगर मीडियन है या एंगल बाइसेक्टर है या ऑल्टीट्यूड है तो ये रिजल्ट सब पे लगेगा। बड़े ट्रायंगल से छोटे वाले सिमिलर हैं, छोटे वाले से बड़े सिमिलर हैं, तो आपने बार बार प्रूव नहीं करने बैठना है वहाँ पे, आप सीधा आंसर देखना कौन सा आएगा। ट्रायंगल का नेम ध्यान रखना बस, ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें किसी ने? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की फिगर नहीं गिवन, नहीं गिवन ना, बनाओ फिगर बनाओ। आ जाओ खुशी, फिगर ड्रॉ करो इसका। पहले क्लीन तो करो, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये लो चौक। राहुल आजकल आप पढ़ नहीं रहे, लग नहीं रहा मुझे है? क्या हुआ? बनाओ बनाओ बनाओ। 14 आपका होमवर्क है, आप करके आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी अभी कर लेते हैं जितने भी हो जाएंगे। थर्टींथ क्वेश्चन की फिगर बनाओ, 13 बोला है, 14 तो होमवर्क में बोला है। D is a point on the side BC of the triangle ABC such that ADC is equal to BAC. दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। अच्छा ये AD क्या है यहाँ पर? मीडियन है। उसने कहा है कि ये मीडियन है, नहीं कहा ना, फिर कैसे? पॉइंट है, ये नहीं पता कि ना वो एंगल बाइसेक्टर है ना वो साइड का बाइसेक्टर है, कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन है ये, बात समझ आई? ऑल्टीट्यूड भी नहीं है क्योंकि बेस के साथ 90 नहीं बन रहा, तो ऑल्टीट्यूड भी नहीं है, मीडियन भी नहीं है और एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। लेकिन बस इतना पता है कि जब एक फिगर बनती है तो क्या होता है, कॉमन आता है कुछ ना कुछ। क्या कॉमन आएगा इन दोनों में? और एंगल का नेम है बीएसी, पूरा एंगल, पूरा एंगल बनाओ बीएसी। हाँ जी, ये पूरा एंगल जो है ए वो डी के इक्वल है, ठीक है। और क्या कह रहा है प्रूव करने को? सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, क्या मतलब है इसका? सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये बताया हुआ है आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन। सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वेयर का मतलब क्या है? सी ए इंटू सी ए, सी ए ओवर सी बी इज इक्वल टू सी डी ओवर सी ए, ये शो करना है, ये शो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, सी ए, सी ए सी ए कॉमन है, मतलब ये वाली साइड कॉमन है, ये किस ट्रायंगल में आ रही है? छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है, और इसका मतलब एक छोटा ट्रायंगल लेना है एक बड़ा लेना है, छोटे वाला ये लेना है बड़े वाला एबीसी लेना है, तो उसमें साइड कॉमन आ गई है। और दूसरी चीज क्या आएगी? सी डी एंड सी बी, सी डी किसका पार्ट है? छोटे वाले ट्रायंगल का, और सी बी किसका पार्ट है? बड़े। इसका मतलब अब सुनो, इधर ये छोटा ट्रायंगल ले लिया और एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, इनमें क्या कॉमन है? एंगल सी कॉमन है, क्या कॉमन है? ठीक है, एंगल सी कॉमन, और ये एंगल गिवन, गिवन है ना, इक्वल, तो डबल ए से ट्रायंगल क्या हो गए? बस सिमिलर हो गए, तो ये रेशियो लिख के आंसर आ गया। अब आपने ये लिखने नहीं बैठना, ये तो दिया ही हुआ है, वहां पे होगा ना कौन सा ट्रू है, तो आप क्या करोगे, आप छोटे वाले ट्रायंगल का नेम लिख लेना, जाओ सी डी ए और
दूसरा क्या आएगा मेन? सी डी ए दूसरा मेन क्या आएगा? सी बी ए, ठीक है? ठीक है मेन? सी ए, ठीक है? यहां से देख लो, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, ठीक है? यहां से सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, यहां से देख लेना रेशो जी होगी ना। अब सुनो इधर, सपोज सारी रेशो एक जैसी दे रखी है, कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रू है? तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, वहां से कौन सी रेशो बनेगी। यहाँ तो पता था ना, क्वेश्चन में दिया इसलिए आपने बता दिया, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। वहां पे थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज। ये भी अच्छा, मैं सी बी को इधर लाई हूँ, मैं सी डी को भी तो ला सकती हूँ इधर, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। सी डी को यहाँ ले आओ, यहाँ सी बी लिख दो, ये भी तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आना तो वही है, तो ये भी चल जाएगा। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी कहो या डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, एक ही तो बात है, तो वो भी चलेगा। तो आपने वहां से देख लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th आप करोगे, 15th देखो, 15th इजी है काफी। ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है कहाँ पे बता सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री, शैडो वाला क्वेश्चन किया हुआ ना वहां पर, सेम वैसे ही। हाँ जी, दो चीजें हैं ये देखो, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 कास्ट अ शैडो ऑफ 8 है ना, और आगे बोलो, आगे क्या दे रखा है? एंड एट द सेम टाइम ए टॉवर कास्ट अ शैडो ऑफ 28, शैडो दे रखी है, ये शैडो थी ना, एक दूसरी शैडो 28 है, इसकी हाइट निकाल। अब ये दोनों ट्रायंगल में रेशो तब लगा सकते हो जब दो चीजों की रेशो कब सेम होती है? जब सिमिलर हो, पहले सिमिलर करना। कैसे? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कौन से एंगल है ये? ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन, ठीक है? दोनों की जो शेडो बन रही है कब बनती है? जब सन रेज होती है तभी बनते हैं ना, ठीक है? ये रात को बनती है शेडो, तो यहाँ पे अभी दे रखा है इस टाइम पे, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम होंगे, ये दोनों चीजें वर्टिकल होगी ग्राउंड के साथ, तो 90-90 होंगे। ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर, तो रेशो सेम हो जाएगी। 6 by h इज इक्वल टू 4 by क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, निकालो आंसर, करो करो सब सॉल्व करो जल्दी से। नोटबुक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मीडियन वाला है, बताया हुआ है जब मीडियन फॉर्म होता है तो दोनों छोटे ट्रायंगल्स की भी सिमिलर होते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल भी सिमिलर होते हैं, सेम है। करो जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, फिगर नहीं गिवन है, फिगर बनाओ, बस ये देख लो किस रूल से सिमिलर बन रहे हैं, ये चेक करो, बनाओ ट्रायंगल फॉर्म करो।
हाँ जी, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, उसमें एडी मीडियन है, पीक्यूआर में पीएम मीडियन है, और जो ट्रायंगल है बड़े वाले दोनों सिमिलर दिए हैं। अगर बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो छोटे वाले सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन होंगे कैसे सिमिलर ये बताना है, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है, क्योंकि अगर ये सिमिलर होंगे तभी साइड की रेशियो आएगी। ठीक है, एक्चुअली ये वाली साइड की रेशियो चाहिए, एबी की रेशियो पीक्यू के साथ, एडी की रेशियो पीएम के साथ, तो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इजी है, बताओ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, साइड्स की रेशियो ऑलरेडी सेम है बड़े वाली, तो साइड एंगल ये मीडियन है ना, तो ये भी इक्वल हो जाएगा हाफ। ऐसे ऐसे छोटे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, तो साइड्स की रेशियो सेम है। बड़े जब प्रूव करने हैं तब भी ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, या ट्रिपल ऐसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, वैसे ऐसे ऐसे होंगे बड़े वाला भी छोटे वाला। ठीक है, अब देखो इधर, अब जो नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट हो रही है ना 6.6, ये थ्योरम एग्जाम में पहले काफी बार आती थी, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था ये थ्योरम एग्जाम में काफी बार आई हुई है। थ्योरम एक आती आती थी 4 मार्क्स में, 3-4 जितनी भी थ्योरम्स हैं उनमें से एक आती आ जाती थी, पूरा ऐसे स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम, इस स्टेटमेंट का नेम नहीं है, ऐसे लिखी होती थी कंप्लीट थ्योरम। अब देखो इधर इसका रिजल्ट क्या कहता है, इस थ्योरम में क्या कहता है, ये थ्योरम एक तो तब एप्लीकेबल होती है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल है, एक है एबीसी और दूसरा है पीक्यूआर या डीईएफ, कुछ भी ले सकते हो आप, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों के एरियाज की जो रेशियो है एबीसी के पीक्यूआर के साथ, वो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के इक्वल आती है, मतलब एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर, या इंडिविजुअल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कहीं पर भी यूज कर सकते, साइड्स पे अप्लाई होता है ये रिजल्ट, कहीं और पे भी अप्लाई होता है, जरूरी साइड्स के ऊपर और भी अप्लाई होता है, बता सकते हो कहाँ, अगर बीच में मीडियन दे रखे हो उस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, पेरीमीटर के पे भी अप्लाई होता है, पेरीमीटर वाला रिजल्ट एक बार मेरे को अच्छे से अभी रिकॉल एक है नहीं, मैं देख के बताऊंगी कि पेरीमीटर के इक्वल होता है या उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो पेरीमीटर के साथ भी उसका रिलेशन बनता है। ठीक है, बीच में एंगल बाइसेक्टर दे रखे हो तो मे भी उसके साथ भी बनेगा रिजल्ट, क्यों बनेगा पता है, क्योंकि आप कितनी बार ये शो कर चुके हो कि इसकी रेशियो इसके साथ, अगर बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मीडियंस की रेशियो भी क्या होती है, सेम होती है, तो अगर साइड मीडियंस के साथ सेम है तो साइड को मीडियन से रिप्लेस भी तो कर सकते हो, और अभी तो आपने एक एंगल बाइसेक्टर भी करा है, ये ना एंगल बाइसेक्टर वाला रिजल्ट जहाँ पे 1-2 के इक्वल था, 3-4 के इक्वल था, तो वहां पर भी ट्रायंगल सिमिलर किए थे आपने, तो अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसके भी स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं आपको लिखवा दूंगी, बुक में नहीं दिए हुए, एक्स्ट्रा में देखने पड़ेंगे, यहाँ बुक में नहीं है, कोई भी नहीं है इनमें से, एक आधा शायद मीडियन का एक्सरसाइज में मिल जाएगा, बाकी नहीं दिए। क्लियर है ये, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें एरिया दे रखे हैं, ये सारे इक्वल है ना, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, आपको चाहिए एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीनों भी ले सकते हो। करो स्टार्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, करो, सेम है, इसी रिजल्ट पे डिपेंड है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, अटेंडेंस कौन ले रहा है ऑनलाइन वाली क्लास में, प्रभगुन और पुष्कर, बस दो ही, प्रभगुन और पुष्कर,
दोनों के एरियाज गिवन है, एक है 64 और दूसरा है 121। इसका मतलब एक ये 64 है, इसके अंदर लिख देते हैं 64, यहाँ लिख देते ठीक है? नहीं, वो नीचे आएगा क्योंकि BC ऊपर। एक्चुअली ये ट्रायंगल ABC है ना, ये DEF है, तो आपको BC फाइंड करना है, तो ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब BC ऊपर आएगा, ठीक है? अच्छा ये अब आप स्क्वेयर कर रहे हो इसका? हाँ जी, स्क्वेयर रूट करना है। स्क्वेयर रिमूव करके यहाँ क्या बन जाएगा? किसने किसने ऐसे की है और बात किसने किसने स्क्वेयर की है? स्क्वेयर नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा, स्क्वेयर रूट करके करना है। इसका स्क्वेयर रूट दोनों ने मतलब ऐसे की है, स्क्वेयर करके किया ना, किया ही नहीं। कौन है ये स्मार्ट? चलो 8/11 = BC/15.4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 पॉइंट। अरमान आंसर क्यों नहीं आते? नहीं आ रहे एग्जाम में, कहां से कर रहे हैं? 11.2, ठीक है। अगला करो, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, फिगर बनाओ पहले तो, नेक्स्ट भी कर क्या रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर मत ना, ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई मतलब करना थोड़ी है मल्टीप्लाई, इसकी कटिंग कर दे। 11 बन जा 11, क्या बच गया 4, 11 4 जा 44। मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ये थोड़ी करना है जबरदस्ती, नहीं ऐसे करा है, जिधर मर्जी ले लो, जिधर मर्जी ले लो। इधर एक मिनट देखना जरा, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हो ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है, लिखना है सिर्फ 8 × 15.4/11। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, क्या बच गया 4, 11 4 जा 44। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 11 पॉइंट। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि करना ही है जबरदस्ती, लिख के कटिंग करो। आइंस में नहीं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन जैसे हो देख लेना। नेक्स्ट करो, ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम में दोनों वन पेयर ऑफ साइड पैरलर है, सेम ऐसे ही करना है। दो ट्रायंगल की रेशियो लेनी है, पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करेंगे? पैरलर से, डबल ए से। कल बताया था आपको, ये देखो ऐसे बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर 3-4 के इक्वल अल्टरनेट, तो छोटे ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो दोनों की एरिया की रेशियो इक्वल हो जाएगी साइड के स्क्वायर के, बस रिलेशन दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा 4:1 आएगा।